guys, so yo, what's up YouTube? Welcome back to our channel. And finally, after so long, we are going to do meme reaction on Tarak Mehta ka Ulta Chashma. मतलब after so long नहीं, पहली बार कर रहा हूँ मैं कुछ भी बोल देता हूँ. मतलब वीडियो की स्टार्टिंग करने उतरे तो मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था, बट मैं नर्वस नहीं होने वाला क्योंकि आज हम करने वाले meme reaction. ये करके दिखाओ. वो एक रफ्तार का वर्स था ना, तू है मेरी बच्ची और मैं तेरा मेरा साला और तेरी बुनवाने वाला भी साला मेरा साला. एक बात बिल्कुल सीरियसली क्लियर कर रहा हूँ, चाहे कल करियर चले चाहे ना चले, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो में. आगे से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा मीम्स में कैसे मीम्स आते हैं हमारे को. लेट्स गो. हमें इधर ट्यूबलेट रिपेयर करने आए हैं. 12 seconds later. Sigma rule. Always wait for your chance because karma is a. Nice, I like it. Goli beta masti nahi, mera favorite dialogue hai. Kya baat hai yaar, dekha la, same same shirt ha. Same shirt. Dono ki ek hi pasand ha. समझ गया. Sigma BFF rule 779. Don't leave any moment to surprise your best friend. ये बचपन में होता था, जैसे हम 7th 8th 9th 10th में जब होते हैं तब कोई लड़की हमारे दोस्त को पसंद होता था, उसके सामने आती वाबी. वैसे ही हमारे जो तारक मेहता जी है वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो उन्होंने एकदम मतलब ओपी वो वाली लाइन मारी, दोनों की एक ही पसंद बबीता जी. और कोई और तो समझेगा नहीं, पर बेस्ट फ्रेंड आपस में समझ जाते हैं. कोई ऐसी कहानी है आपकी और आपके बेस्ट फ्रेंड की तो डू कमेंट डाउन. मेरी और मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे से बात नहीं करते. क्यों बात नहीं करते? क्योंकि मैं जब उठता हूं तब उनका सोने का टाइम होता है. तो हमारा अभी बहुत ही ऑफ ऑफ चल रहा है. बाकी ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. कोई एक भी कसरत करने नहीं आया तो मैं पूरी सोसाइटी से 50,000 रुपए का दंड वसूल करूंगी. ओहो, ये वाला कौन सा एपिसोड है? मैंने नहीं देखा. वो कह रही है अगर कोई एक भी एक्सरसाइज करने नहीं आएगा तो 50,000 का जुर्माना. वाह, ऐसा जुर्माना मेरे को लगे तो मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ. Sigma रूल है कि ऐसी कोई पनिशमेंट हो तो पहले पूछ लो कि पेमेंट कैसे करनी है, कैश या फिर चेक में, क्योंकि पता है कि भाई हम तो एक्सरसाइज करने वाले. जैसे मैं हूँ इस वक्त, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ, ये ठंड ने मेरा बुरा हाल कर दिया. दो मैंने बहुत रेजी वीडियो शूट करी है दिसंबर में जो आने वाली है जनवरी में मेरे चैनल पे फुकरा इंसान पे. बट भाई मैं एक तुम्हें जेन्युइन बात बताता हूँ कि इस वक्त माहौल ऐसा हो रखा है ना, एक बार वो मतलब चद्दर के अंदर जाओगे ना, वो पूछते तुम आ तो गए पर जाओगे कैसे, आ तो गए पर जाओगे कैसे, मतलब वो वाला सीन हो रखा है. मेरा कंबल तो कहता है आ गए हो तो ठहर जाओ, अब जाना नहीं. तो वो वाला सीन हो चुका. अगर ऐसा सीन आप मेरे साथ भी किसी के साथ है तो बैठो वीडियो को लाइक कर देना. क्रेजी सीन ब्रो, रजाई के अंदर चले जाओ, मन नहीं करता वापस आने का यार. भैया मैं आपके टप्पू से बात करा दूं, फिर आप पार्सल दे देंगे ना? कौन टप्पू? अरे बोला तो सही आपको, टिपेंद्र जेठा गड़ा. उसको हम प्यार से टप्पू बुलाते. ये नई वाली सोनू है क्या? मतलब मैंने तारक मेहता देखो मैं तभी फॉलो करता था जब वो पुराने वाला टप्पू जो करके हवा से अपने बाल उड़ा देता था और सोनू थी वो क्यूट सी, मैं वही देखता था. अब ये वाला तो मैंने फॉलो करा नहीं तारक मेहता. आप लोग तो देख रहे हो नहीं देख रहे, डू कमेंट डाउन, बट मेरे हिसाब से सोनू ही है. ठीक है, कीजिए अपने प्यार को फोन. तो क्या सीन है, इनके घर में आता है कोई सामान देने तो वो कहते हैं टप्पू का, तो उसने बोला कि टप्पू हम उसको प्यार से बुलाते हैं, नाम उसका टिपेंद्र लाल जेठालाल गड़ा है. तो फिर उन्होंने बोला करिए अपने प्यार को फोन, और बीड़े जी नाराज हो गए. एक्सक्यूज मी, हेलो सिंगल बॉय पोपट लाल. एक मिनट जेठालाल, क्या हुआ? Myself, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपट लाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस. नहीं नहीं पोपट लाल नहीं, साली है मेरी और मंगनी हो चुकी है, मंगेतर का नाम राहुल है. डोंट बी अ सख्त लौंडा लाइक पोपट लाल. सख्त लौंडा नहीं है, ये रूल गलत लिखा है. सबसे पिघलने वाला लौंडा है पोपट लाल. वो मतलब वहां पर जा रहा था तो तारक जी ने पहले ही बोल दिया कि ओए साली है मेरी, लाइट नहीं मारने का, लाइट नहीं मारने का. सिंगल लोगों का दुख तुम क्या समझोगे. मैं समझता हूँ पोपट लाल, टेंशन न ले. तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ एक बबीता. ये चला. तो दोस्तों अब मैं सुनाने वाला तुम्हें एक कविता, नहीं बबीता. यार इनका सन से दिलीप जोशी इज द बेस्ट, वन लाइक फॉर हिम. हाँ कौन बोल रहा है? एक मिनट जरा. अब मुझे गांव से नाथिया का फोन है. नाथिया? किसका? नाथिया ये डोबा, मुझे पता है नाथिया कौन है, आपका साथिया है? ये क्या था मतलब? ये तो सिर्फ राइमिंग बनाने के लिए था ना कि नाथिया कौन है आपका साथिया, मतलब कोई
पसंद नहीं आया अपने को, हीरोइन मटेरियल लग रहे हैं आप। होए बबीता जी, देखो हीरोइन पे से याद है, कल ही मैंने आपको याद किया। मुझे कैसे? ओ, कल केबल पे पिक्चर देख रहा था, वो बलम परदेसिया, तो उसमें वो हीरोइन को देख के आप याद आ गए। इतनी फालतू हीरोइन थी वो। ये कब हुआ भाई? ये वाला अच्छा था, मैं भी ट्राई करेगा। कल मैंने ना एक मूवी देखी, तुम्हारी याद आ गई मुझे निश्चय भाई। क्यों भाई? वो जो एक्टर था ना बड़ा ही बेकार दिख रहा था। ऐसे किसी किसी और के साथ कैसे डांस कर सकते हैं हम लोग? बीड़ा बैग सही कह रहे हैं, ऐसे किसी और के साथ थोड़ी ना डांस हो सकता है। जेठा जी का तो हो जाएगा बबीता जी के साथ। ये भाई तो क्या बकवास कर रहा है, किसी और की पत्नी के साथ डांस का आइडिया अच्छा। नाइस। जेठा जी वैसे बड़े सख्त लौंडे, पर बबीता जी को देखते ही पिघल जाते हैं। मतलब ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। प्यार हो तो जेठा जी का बबीता जी जैसा अधूरा रहे पर चलता रहे। क्या ही लाइन मारी है, इसी बात पे पानी पी ले रोज। इसलिए वोट देना भूलना नहीं क्रिकेट के चक्कर में। अरे बार बार उंगली क्या दिखा रहे हो मेरी तरफ? मैं शिक्षक हूँ जेठालाल, मैं तो हर साल वोट करता हूँ। देखा देखा, मैं तो इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है, ये हर साल वोट करता है। ये वाला मुझे आज भी याद है। वो कह रहा है मैं हर साल वोट करता हूँ, इलेक्शन तो 5 साल में एक बार होता है। वो कह रहा है तभी तो नहीं इसको बताना चाहिए था, क्योंकि तो हर साल वोट करते कर मैं तो 5 साल में एक बार। ये समझ रहे हो ना? अमित तुम्हारे बालो भाषी ने बबीता को क्या बोला? अमित तुम्हारे बालो भाषी मतलब मालूम है तुम्हें? इसका मतलब होता है आई लव यू। सॉरी बबीता जी, सॉरी करती निगाह आवे तोरे मेरे चाले से हवा, सच्चा प्यार मन तेरे ते होया। आमी तुम्हारे बालोबाशी सब्सक्राइबर्स, आमी तुम्हारे बालोबाशी। वैसे मुझे भी नहीं पता था अब तक क्या आमी तुम्हारे बालोबाशी का मतलब आई लव यू होता है, तो अब मेरे को पता चल गया, तो इसी बात पे आमी तुम्हारे बालोबाशी। तुम और जेठा धमाल कर रहे हो? अरे यहाँ सब लोग परेशान बैठे हैं और जेठा वहाँ धमाल कर रहा है। अरे ये कौन आइटम है? वो आइटम ही है। बापू जी ने जो वार्ड लगाई होगी ना ये सुनने याद इसकी, मेरे को पता है। गुड मॉर्निंग सेठ जी, आओ आओ बगाओ। ये देखिए सेठ जी, मैं किसे लेके आया हूँ, पहचाना? मैंने भी नहीं पहचाना। कौन? कस्टमर। यार भागा कितना बढ़िया था ना, भागा के चलने का स्टाइल पसंद है मेरे को, पता कैसे? देखो बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अरे बहू। हो बापूजी। बबीता जी आई हैं। आया बापूजी। यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैं तन्मय भैया की तरह हंसने लग गया। कल नहीं, कल मैं एक दिन के लिए अहमदाबाद जा रहा हूँ, लेकिन परसों पहुँच जाऊंगा। तो परसों आना जरूर है, क्योंकि जॉगिंग सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा बबीता जी ने कहा है ना? हाँ? किसने कहा? बापूजीता जी ने। बापूजीता जी ने। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे, मुझे छुट्टी दे दे। मीम्स वैसे कलेक्शन पूरे तारक मेहता की होनी चाहिए थी, पर ये जो मीम्स है ना, ये तारक मेहता कम बबीता जी और जेठा जी के जाता है। अरे ओहो हो हो, आइए आइए आइए। आप कौन? म्यूजिक। एक सेकंड, आइए आइए आइए। आप कौन? ओ ओके, नाउ आई गेट इट। ये सही है, अगर मैंने कभी अपने घर में ऐसा करते ना, किसी को बुला के हेलो हेलो आओ अंदर आओ अंदर आओ, और फिर मैं पूछूं हां जी आप कौन, मम्मी का पीछे से जूती आएगी, फ्लाइंग चप्पल रिसीव। कोमल भाभी ने अय्यर को मेरा ड्राइवर कहा। बबीता जी फिर से। अरे वाह, अरे वाह, ये कोई तरीका है? ऐसा क्यों बोला आपने? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। वो देखो, ओहो हो हो, जेठा भाई इज द हार्ट ऑफ टीएमके ओसी, दैट इज फैक्ट। हम सब लोग सुन रहे हैं भाई, अच्छा गाना। और कोई नहीं बोलेगा तो मैं अकेला बोलूंगा, वंस मोर। थैंक यू वेरी मच जेठालाल, जब तक अच्छा नहीं गाएगा बोलता रहूंगा। हां नाइस वन, तेरी कह के लूंगा। गुड मॉर्निंग बबीता जी। यार एक बात बताओ, सारे मीम बबीता जी से शुरू होते हैं और जेठा जी पे क्यों खत्म होते हैं? तुम्हारा शर्ट पीछे से खतरनाक जला हुआ है। ओके बबीता जी, ओके बाय।
ये ऐसे पीछे जाएगा, मेरे को पता था इसका। वो पर चलेगी, आपकी शर्ट फटी हुई है। कुछ बोलना मत, मुझे सब पता है। नाइस वन, हिला दे कमर नहीं हिलेगी मेरी तो, मेरे तो कमर में ही दर्द है। Nice. TMKOC की collection is the OPS collection, to be honest. Memes बहुत प्यारे हैं, अगर आप देखना चाहते हो उसका part 2 तो do comment down. And yes, Babita ji OP the chat. Oh sorry, Jeta ji OP the chat with Babita ji also OP. Video अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।